ट्रिग्नोमेट्री करवा रहे थे आप लोगों को और आप ट्रिग्नोमेट्री में टेबल बनाने के लिए सीख चुके हैं। वैल्यू कैसे आएगा वो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से आपको बता चुके हैं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर साइन का 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अगर आप तुरंत नहीं बता सकते हैं तो फिर आगे सवाल बनाना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहले टेबल बनाने के लिए सीख लीजिए। हाँ, ये बात जरूर है, अगर आप इस लाइन में काम करते रहते हैं तो आपको इसका, अगर मान लीजिए आप कोई भी एग्जाम देते रहते हैं और उसका तैयारी करते रहते हैं तो आपको वैल्यू अपने आप क्या होता है, आ जाता है। तो चलिए, आज हम आपको बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया है, एक से एक क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि ऑलवेज रिपीट होता है, इसलिए बहुत बढ़िया से बिना स्किप किए हुए आप एक एक चीजों को देखिए, और आप लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं वो भी नॉन स्टॉप करते जाइएगा और आप बताते भी जाएंगे कि आंसर क्या होगा। ठीक है, बोलिए पहला का आंसर, बोलिए पहला का आंसर 5 बोला जा रहा है। ये देखिए पहला का आंसर 5 कैसे हुआ, एक एक चीजों को समझिए और बढ़िया से समझेंगे। अगर पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप एक एक जितना भी है सम्स करवाते जा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। यहां ध्यान से देखिएगा, ये क्या हुआ 90 डिग्री का पेयर और ये क्या हुआ 90 डिग्री। जहां पर भी 90 डिग्री हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो देखिए ये पूरा 1 हो गया, 3 × 1 तो 3 प्लस 2 × 1 तो 2, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। देखिए सम्स आसानी से बन जाएगा, सिर्फ करना क्या आपको कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तो चलिए लिखिए इधर में, अब आइए यहां पर कुछ बात को समझ लेंगे। अगर 2 को जोड़ के साइन कॉस, साइन और कॉस, यहां पर कॉस 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 और देख रहे हैं, कॉसेक देख रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे जी कि यहां पर आप सभी को बताया कि साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। और हमेशा याद रखेंगे जी किसी भी तरह से जोड़कर अगर 90 डिग्री बन जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। चाहे आप 2 को जोड़कर कर लीजिए या ऊपर नीचे जोड़कर कर लीजिए, तभी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 होने से ही कोई दिक्कत का बात नहीं है। वैसे हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, यानी साइन को कॉस में या कॉस को साइन में चेंज कर देते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोलेंगे कि साइन 30 डिग्री इजिकल टू, हम लिख सकते हैं क्या, कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं। उसी तरह से साइन 45 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 45 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, जरा यहां से ध्यान दीजिएगा, साइन 30 डिग्री 90 माइनस 60, देखिए 90 में से 60 करेंगे तो 30 डिग्री होगा। अब सेम बात हो गया, साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और जो माइनस थीटा होता है उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा, यानी कॉस 60 डिग्री। आप दोनों का वैल्यू यहां पर बिठा के देखेंगे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां बताइए कितना होगा, आइए देख लेते हैं। तो कुछ लोग जो ऑनलाइन कर रहे हैं ध्यान से देखेंगे, ये दोनों को मिलाकर 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री होने से ही 1 हो गया, तो 1 × 3 तो 3 हो गया, प्लस ये 1 हो गया तो 2 × 1 2, तो इसीलिए यह 5 आंसर होगा। यहां पर देखिए ये साइन और कॉस 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया, बोलिए ये 1 हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। ये देखिए दोनों को जोड़ के क्या हो जा रहा है, तो ये भी 1 हो गया, माइनस 8 है, कहां पर दिखाएं, यहां दिखा देते हैं बढ़िया रहेगा, यहां दिखा देते हैं बढ़िया रहेगा। देखो ये 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी 1 हो गया, तो देखिए 1 + 1 यहां तक पहुंच गए, माइनस 8 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ये क्या बोलिए, कॉस स्क्वायर है, तो पहले सोच लो स्क्वायर नहीं है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है,
वन बाई टू। अब इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, ये वन एंड वन कितना हो गया टू, वन बाई फोर, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही होगा तो फोर, ये कट गया टू, टू में से टू गया तो क्या हो गया जीरो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जीरो। पेन चलाने का दिक्कत नहीं है, पेन मत चलाइए, थॉट प्रोसेस से ही आप आगे बढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का एक एक चीज करवा देंगे, एक एक वीडियो पर अगर आप बने रहेंगे तो एक एक चीज बढ़िया से सीख जाएंगे। जैसे देखिए ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया, टू हो गया, हम लोग मान लिए सीधा टू, मतलब इधर टू है, अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं, इधर आइए एट, कॉस वन बाई टू स्क्वायर है, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, फोर से यह कट गया तो टू, टू में से टू गया जीरो, जीरो आंसर, कहां पेन चलाएंगे। तो ये थॉट प्रोसेस धीरे धीरे आपको डेवलप्ड हो जाएगा, और अगर मान लीजिए आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो आपका ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो हम सिर्फ आपको बताएंगे कि आपको सीएचएसएल में कैसे सक्सेस लेंगे, ये बात हम खाली बताएंगे। थर्ड बोलो, ये तो हम पिछले बार भी बताए थे आप लोगों को, वन यहां पर भी सेम बात है, ये देखिए 90, इधर क्या हो गया 90, कुछ तो बीच में बचा ही नहीं, इंटू के फॉर्म में है तो वन वन, वन इंटू वन तो वन ही होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। बढ़िया से देखिए और एक एक चीजों को समझिए। देखो सबसे पहले हम लोग पेयर बनाएंगे और यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये सेवन एंड हाफ, साढ़े सात और 82 जोड़ने से देखिए हो रहा है नब्बे, कैसे नहीं हो रहा है, 7.5, साढ़े सात को 7.5 बोलेंगे, 82 एंड हाफ तो 90 तो हो गया, हो गया ना, यानी ये दोनों का पेयर बनेगा साइन हो गया 90 डिग्री। अभी साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आप बोलेंगे सर देखना होगा, देखिए कुछ नहीं देखिए, साइन और कॉस ये सबसे ज्यादा आता है, साइन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री आपको हमेशा देखेंगे आएगा और आपको कुछ देखने का दरकार नहीं है। ये देखिए साइन का बीच में क्या है, ये है ना एक वन, आप बोलेंगे सर आई है, छोड़ो ना आई यार, वन है तो ये साइन 90 डिग्री वन हो गया और कॉस का ये बीच में क्या है जीरो है, तो ये जीरो, यानी कभी याद ही नहीं करते हम लोग, साइन 90 डिग्री तुरंत वन बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए यहां पर, ये देखिए ये और ये देखिए, ठीक है, तो इसीलिए ये हम लोग को खुद बता देता है कि वैल्यू क्या है, बताता है तो कोई दिक्कत का बात नहीं। तो आप बोलेंगे सर यहां तो वन हुआ बट स्क्वायर है, अरे वन का स्क्वायर कितना होता है, तो वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो इस बार हम दो दो ठो सवाल लेंगे क्योंकि थोड़ा लिख के दिखाने में भी ठीक रहेगा। तो ये दोनों का पेयर किए, साइन 90 डिग्री हो गया और साइन 90 डिग्री वन होता है, तो वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही होगा। फिर बात यहां पर भी सेम है, ये देखिए टेन कितना हो गया, पेयर कीजिए 90, फिर ये भी वन हो गया, वन का स्क्वायर वन, तो देखिए वन और वन कितना हो गया टू, तो आंसर क्या आएगा इसका, कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट दो को जोड़ के, हाँ किसी भी तरह से जोड़ के हम लोग, ऐसा क्यों होता है, वो तो कट जाता है, लेकिन यहां देखिए एक्चुअल में ये ऐसे नहीं जुड़ा हुआ है। आप बोलेंगे सर ये कैसे जोड़ दिए, वन कैसे हो गया, ये इस तरह से हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अगर आप सेवन एंड हाफ डिग्री रखते हैं, समझिएगा ये कैसे हुआ सर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जोड़कर कैसे बना दिया, आइए ना दिखाते हैं कैसे बना, आइए देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन कितना है
7.5 स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, साइन का साइन स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया 7.5। अब यहां जो साइन दिया हुआ है 82, 90 डिग्री करने के लिए उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 7.5 स्क्वायर। साइन 82.5 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, साइन 82.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 90 अभी बताए थे ना, माइनस 7.5, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, ये जो थीटा होता है यही हो गया क्या, कॉस थीटा यानी कॉस 0.5, यानी इसको हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 7.5 डिग्री 7.5 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस उतना ही कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है, तो ये दोनों मिला के क्या हो गया 1 हो गया, और ये तो 10 कॉट में चेंज होके कट जाता है और 1 बन जाता है, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया और इधर भी 1 हो गया। बट इसके अगर प्रोसेस में जाएंगे तो क्या होगा, प्रोसेस में जाने के लिए क्या होगा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम अभी तुरंत बताए थे कि दोनों को, इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी आप चाहे तो इसको यहां कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, एक ही आएगा, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 आ गया, और ये तो 10 कॉट में कन्वर्ट होके क्या हो जाता है 88 डिग्री बन जाता है, कॉट 88 डिग्री और 10 88 डिग्री, तो 1 हो जाता है। तो यहां से भी 1 हो गया, तो कितना आ गया आंसर 2 आ गया। आइए अब आइए यहां पर बताइए क्या आएगा आंसर, 0। आइए देखते हैं 0 कैसे आया, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। देखो ध्यान से, ये कितना होगा बोलिए, ये कितना होगा 90 डिग्री हो गया, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं, यहां सॉल्व कर रहे हैं नीचे में, इसका क्वेश्चन नंबर 14 को यहां सॉल्व कर रहे हैं, 1 हो गया। प्लस ये 2 अलग है, 2 रहने दीजिए, अभी इनटू के फॉर्म में है। ये देखिए, ये इसके साथ बन गया पेयर, 90 डिग्री हो गया तो 1 हो गया, और ये देखिए इसके साथ बन गया तो ये भी 1 हो गया। तो इनटू 1 कीजिए या नहीं कीजिए, बात तो बराबर है। अब यहां बच गया क्या 10 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बोलिए, 1 होता है। तो ये 2 के साथ सब कुछ तो यहां से यहां तक जो दिया है सब तो 1 हो गया, 1 लिखिए या नहीं लिखिए, तो यहां पर भी आ गया ये। अब यहां पर सीधा 1 प्लस 2 माइनस आ जाइए, 3 है, लेकिन यहां पर देखिए ये साइन और साइन मिलके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस इसको साइन 69 को हम लोग कॉस में बोल सकते हैं, कॉस 21 डिग्री, 90 में से 69 गया तो 21, यानी ये हो गया ये वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ये पूरा अंदर का वैल्यू हो गया 1, 3 इंटू 1 तो 3, और देखिए 3 प्लस 3 माइनस तो क्या हो गया 0 आ गया 0। ये सब आया हुआ सवाल है, और देखिए आया हुआ सवाल आप कर रहे हैं, बट आपको सिर्फ ये बात अगर समझ में आ गया कि किसी भी तरह से हम अगर जोड़ते हैं और 90 हो जाता है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, और जनरली ये आप देख ही रहे हैं कि साइन और कॉस में ज्यादा मिलता है आपको, प्लस वाला साइन और कॉस में मिलेगा, प्लस वाला साइन और कॉस में मिलेगा, ये बात नोट कर लीजिए। लेकिन 10 और कॉट हमेशा किस में मिलता है, इनटू में भी मिलेगा, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर कि इसको हम लोग चाहते तो थर्ड प्रोसेस से कर सकते थे, पेन चलाने का दरकार नहीं था, ये 1 हो गया, ये पेयर किए सब 1 हो गया, तो 1 से इंटू करके दरकार नहीं है, 10 45 डिग्री 1 होता है, ये हम लोग जान गए। तो ये पूरा का वैल्यू यहां से यहां तक का 1 हो गया, तो 1 2 इंटू 1 तो 1, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही होगा। तो देखेंगे जी, हम लोग यहां तक देखिए 1, और ये पूरा का वैल्यू हो गया क्या, तो 3 हो गया। अब यहां पर अभी तक पेन नहीं चलाए, अब यहां पर देख रहे हैं कि इसका तो वैल्यू 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, तो 3 प्लस 3 माइनस 0, इतना बड़ा सवाल खुद कर लेंगे। सिर्फ कैसे ये पॉसिबल हुआ, इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हम लोग एक चीज जान गए हैं, और वो क्या जान गए हम लोग,
कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी सेम बात है, ये देखिए 10, 7 और 10, 83। ऐसा नहीं कि 10, 7 और 83 मिला के 10, 90 degree हो गया, ऐसा नहीं कुछ होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो 10 है उसको कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग 7 को 83 लिख सकते हैं और 83 को 7 लिख सकते हैं, तो फिर वो 1 हो जाता है फॉर्मूला के अनुसार। इसी तरह से ये देखिए दोनों को मिला दिए, बच गया क्या सिर्फ, तो देखिए कुछ नहीं चलाना है। अब 10, 60 degree, 10, 60 degree का वैल्यू क्या होता है, √3। तो हमारा √3 आंसर हो गया। उम्मीद है बढ़िया लग रहा होगा, अब एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे।